जूही ने टीचर का फायदा उठाया और कक्षा के पेपर छीन लिए। उसकी निर्दयता ने आखिर डेनी को हरा दिया, लेकिन इन छोटे छोटे विचारों से जूही का दिल नहीं भरा। उसने कुछ और खतरनाक विचार दिए। मार्क डेनी को स्कूल की आर्ट रूम में ले गया। टीचर के संग्रह से रूम बहुमूल्य कलाकृति से भरा हुआ था, लेकिन सभी जगह कैमरे से भरी हुई थी। डेनी को पता नहीं था कि यह कैसे करे। मार्क ने बहुत ही आसानी से अपने फोन में सुरक्षा तस्वीर खींच ली। जल्दी से उन्हें कैमरे का लास्ट छोर मिल गया। उन दोनों में से किसी एक ने पेंटिंग को कोने में ले जाके बैग और उन्हें वहां से ले जाने में सफल रहे। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। पेंटिंग की चोरी होने की खबर रेडियो पर आई। टीचर ने सभी छात्रों के सामान से करने का आदेश दिया। टीचर ने अन्य छात्र पर नजर की। जब डेनी की बारी आई तो माहौल कुछ अलग था। टीचर ने दिल से तय कर लिया कि डेनी ही चोर है। उसने डेनी के बैग को चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उनका ध्यान मार्क की ओर गया। टीचर ने सोचा कि जूही ने पेंटिंग छुपाने में उसकी मदद की, सामान चोरी हुआ है। लेकिन हुआ यही कि बलून धीरे से बैग से बाहर निकले। जूही ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। उसने पेंटिंग को पहले से ही अगासी पर रख दिया था। वो दोनों अब पके दोस्त बन गए। जूही मार्क को घुमाने धर पर लेकर आती है। जैक ने देखा कि चारों तरफ एक समूह की फोटो देखी। कमेंट पार्ट 2।